संस्कृत के पुनः और वसु से बना पुनर्वसु शब्द का अर्थ पुनरुद्धार, नवनीकरण और पुनर्स्थापन है। हर नक्षत्र अपने देवता की सामान्य विशेषताओं को आत्मसत करता है। पुनर्वसु नक्षत्र की देवी अदिति है। अदिति 12 आदित्यों की माता है, जो सत्य, सौंदर्य, कुलीनता और पवित्रता का प्रतीक है। इसी प्रकार इस नक्षत्र में भी इन गुणों को हम देख सकते हैं। अदितेश्वर मंदिर तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के वानियाबंदी शहर में स्थित भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 1000 साल से भी अधिक पुराना है। यह पुनर्वसु नक्षत्र पर जन्मे लोगों के लिए विशेष परिहार स्थलम है। पुनर्वसु या पुनर्पूसम सात्विक गुणों वाला नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे जिन लोगों की कुंडली में परेशानियां चल रही होती हैं, उन्हें यहां आकर पूजा करने से राहत मिलती है। पुनर्वसु नक्षत्र के लोगों को उनके नक्षत्र दिवस अर्थात जब चंद्रमा इस नक्षत्र से गोचर कर रहा होता है, उसके दौरान इस मंदिर में आने की सलाह दी जाती है और प्रतिकूल ग्रहों के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव की फूलों से पूजा करने का सुझाव दिया जाता है। वानियाबंदी की बहुत सुंदर कहानी आती है। किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने एक बार मां सरस्वती को अपनी वाणी खोने का श्राप दिया था। सरस्वती जी पृथ्वी पर आईं और श्रृंगेरी पहुंची और ध्यान करने लगी। ब्रह्मा जी उनकी तलाश में निकले और अंततः उन्हें श्रृंगेरी में पाया। ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती को मनाया और स्वर्ग वापस ले गए। वापस जाते समय वे पल्लार नदी के उत्तरी तट पर स्थित इस मंदिर में पहुंचे और यहां रुककर भगवान शिव की पूजा की। उनकी आराधना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता सरस्वती को उनकी वाणी वापस लौटा दी। वाणी वापस मिलने पर माता सरस्वती ने यहां गायन किया, इसलिए इस स्थान को वानियाबंदी कहा जाता है। इस मंदिर को अदितेश्वर कहलाने का भी अपना एक और कारण है। ऋषि कश्यप की पत्नी अतिथि या अदिति ने प्रत्येक पुनर्वसु दिन पर यहाँ भगवान शिव की पूजा की और वरदान प्राप्त किया, इसलिए यहाँ भगवान शिव को अदिति के नाम से अदितेश्वर कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव दक्षिणामूर्ति रूप में अपने बैल नंदी पर विराजमान है। उनके हाथों में एक हिरण परशु होता है और चिन्ह मुद्रा में वे दिखाई देते हैं। चिन्ह मुद्रा एक योगाभ्यास है जिसमें अंगूठे की नोक को तर्जनी उंगली की नोक से मिलाकर एक वृत्त बनाया जाता है, जबकि बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखा जाता है। चिन्ह मुद्रा शब्द चित और मुद्रा शब्दों का संयोजन है, जिसका अर्थ क्रमशः चेतना और मुद्रा होता है। यह अभ्यास योग और ध्यान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अंगूठे और तर्जनी को एक दूसरे से मिलाने का कारण कुछ ऐसा है। तर्जनी जीवात्मा का प्रतीक है, वह झुककर परमात्मा अर्थात अंगूठे से मिलती है। अन्य तीनों उंगलियां अहंकार, भाग्य और माया का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये तीन तत्व जीवात्मा को परमात्मा से दूर खींचते हैं, इसलिए ये तीनों उंगलियां दूर रखी जाती हैं और अंगूठा और तर्जनी एक साथ एक गोलाकार बनाते हैं।